नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया सरबजीत सिंह होंगे। सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं। लंबे समय तक वो सीएम सचिवालय में भी पदस्थ रह चुके हैं। राज्य सरकार सिंह को मौजूदा डीजीपी सुरेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी बनाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत भी है। भारतीय पुलिस सेवा की 1985 बैच के अफसर सिंह को डीजीपी के रूप में मात्र 11 महीने का कार्यकाल मिलेगा। सिंह 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त होंगे। आयकर विभाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुए वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूली के लिए नए एक्शन प्लान पर काम करेगा। विभाग टैक्स वसूली बढ़ाने अन्य विकल्प भी तलाश कर रहा है। इस साल दोनों राज्यों में 4,500 करोड़ रुपए की वसूली कम हुई, इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पहली तिमाही से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की मनमानी के आगे सरकार के मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार की लाचारी पर अन्य मंत्रियों ने भी चिंता जताई है। गृह मंत्री बाबूलाल गौर इस स्थिति को चिंतनीय बता रहे हैं, तो लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने तंज कसा कि मंत्री की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं यमराज के हाथों में हैं। ज्ञात हो कि डॉक्टर शेजवार ने गुरुवार को रायसेन के जिला अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से डॉक्टरों की मनमानी पर हमला करते हुए कहा था कि डॉक्टर पावरफुल हैं और मैं लाचार मंत्री, उन पर कार्यवाही करो तो वे बचाव में फोन लगवाते हैं। प्रदेश में इंदौर स्थित अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रों की फीस सबसे ज्यादा है। इन कॉलेजों के छात्रों को क्रमशः 10,24,000 रुपए और 9,50,000 रुपए फीस के तौर पर चुकाना होंगे। गौरतलब है कि प्रवेश और शुल्क विनियामक समिति ने निजी मेडिकल डेंटल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों की फीस में बढ़ोतरी की है। 9 कॉलेजों की फीस बढ़ाई गई है। इंदौर में पटाखे में बारूद भरते वक्त जैसे ही आग लगी, 3 लोग जलने लगे। इनमें दारा सिंह और विक्रम को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उन्होंने दौड़ लगाई और घटनास्थल से 200 मीटर दूर मक्का के खेत में हरी फसल पर लोट लगाकर कपड़ों की आग बुझाई। इसके बाद एम्बुलेंस ने उन्हें रवाना किया। प्रत्यक्षदर्शी राव के पुलिसकर्मी सतीश ने बताया कि फैक्ट्री में चारों तरफ आग ही आग थी। ये ज्यादा फैलती तो पास के घर और अन्य इलाके भी प्रभावित होते। राव से कमल नगर वाले रास्ते से 2-3 किलोमीटर आगे ओड़ी होसैरिया इलाके में कमल पाटीदार के खेत पर एक तरफ जानवर बनते हैं तो दूसरी तरफ आलू चना भूसा और उसी के साथ मिट्टी के अनार और सुतली बम थे। सिंहस्थ मेले के मद्देनजर उज्जैन से ओमकारेश्वर और महेश्वर तक लगभग 500 डॉक्टर तैनात किए जा रहे हैं। उज्जैन में 400 जबकि ओमकारेश्वर में 55 और महेश्वर में 48 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। उज्जैन में डॉक्टरों की तैनाती भोपाल मुख्यालय से हो रही है, जबकि ओमकारेश्वर और महेश्वर में इंदौर से स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक की ओर से। ओमकारेश्वर और महेश्वर में स्टाफ नर्सेस, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का भी 100 का स्टाफ रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।